नमस्कार, मैं राजीव कुमार सिंह दरभंगा लहरिया सराय की तमाम खबरें को एक साथ समेटे खबरें दिन भर में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 9 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला के संदर्भ में नगर निगम में बैठक का आयोजन। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में भाजपा की ओर से राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जन जागरण कार्यक्रम एवं प्रेस वार्ता का आयोजन। मारवाड़ी कॉलेज के तत्वाधान में डॉक्टर नरेंद्र कुमार यादव जी का विदाई समारोह। साहित्य अकादमी नई दिल्ली तथा सीएम कॉलेज के तत्वाधान में मिथिला और मैथिली विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन। छात्र संघ में छात्राओं की भूमिका विषय पर एमआरएम महाविद्यालय के तत्वाधान में संगोष्ठी कार्यक्रम। आइए अब देखिए दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री के पहल से 19 जनवरी 2020 को 11:30 से 12 बजे के बीच पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए दरभंगा शहरी क्षेत्र के नगर निगम में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के आयोजन में नगर आयुक्त, राजनीतिक पार्टियां एवं सभी वार्ड पार्षदगण मौजूद थे। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त ने बताया कि राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि वार्ड पार्षदों ने इस बैठक में भाग लिया है। इस बैठक में हमने लोगों को कैसे मानव श्रृंखला के प्रति जागरूक करना है एवं रूट चार्ट को लेकर विस्तृत बात किया। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए क्या जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पहल से 19 जनवरी 2020 को 11:30 से 12 बजे के अंतर्गत पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दरभंगा शहरी क्षेत्र में मानव श्रृंखला के लिए आज बैठक की गई थी। उसमें सभी जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जनप्रतिनिधिगण एवं हमारे जितने भी शहरी क्षेत्र के माननीय पार्षद हैं उन्होंने भाग लिया। बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। सर्वप्रथम ये था कि जितने भी हमारे माननीय पार्षद हैं और जितने भी हमारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधिगण हैं वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही हमने रूट चार्ट का डिस्कशन किया कि कहाँ कहाँ से मानव श्रृंखला का जाएगी और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं और क्या क्या लोग जितने भी हमारे माननीय पार्षद एवं जितने भी जिलाध्यक्ष थे उन्होंने सुझाव भी दिए कैसे हम इसको और सफल बना सकते हैं। उसी क्रम में हम लोग ने जितने भी हमारे कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी किए। आज भाजपा जिला द्वारा आयोजित बहादुरपुर पश्चिमी मंडल के दरहार में जिला मंत्री अमित झा के निवास स्थान पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन जिलाध्यक्ष जीवा सहनी के अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम के तहत माननीय राज्यसभा सांसद प्रभात झा जी एवं दरभंगा के सांसद माननीय गोपाल जी ठाकुर ने जनसंघ काल से संगठन को खड़ा करने वाले राम बहादुर चौधरी एवं गुणानंद झा, श्यामानंद झा सहित सैकड़ों लोगों के बीच नागरिकता संशोधन कानून पर आधारित बुकलेट सौंपा एवं सभी लोगों से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पोस्ट कार्ड के माध्यम से धन्यवाद पत्र भेजने को कहा। प्रभात झा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा के माननीय सदस्य भी हैं और मिथिला के केंद्र दरभंगा में आज जो इनका नागरिक संशोधन बिल पर जो प्रेस था और प्रेस ही नहीं इनका एक दरहार ग्राम में जनसंपर्क भी संध्या मधुबनी से आने वक्त भी करेंगे होगा। हमने सिर्फ एक विषय कहना चाहेंगे, जो विषय आज़ादी के तुरंत बाद होना चाहिए था वो आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी जो आज कर रहे हैं वो कांग्रेसियों को नीचा उतर नहीं रहा है। यह जब उनको सोचना चाहिए जो महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, तमाम इस देश के जितने लोग थे उस सब ने कहा, कोई 50 में कहा, कोई 48 में कहा, कोई 52 में कहा, सबका स्टेटमेंट देखिए। जो अल्पसंख्यक जो हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको शरणार्थी के रूप में यहाँ पर जरूर शरण देना चाहिए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः। यह देश भारत देश इस अल्पसंख्यकों के लिए सब मन बना चुका है और प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी जो कानून आज लोकसभा राज्यसभा में लाए भूतो न भविष्यति और पूरे भारत वर्ष के लोग जनमानस इसको स्वागत कर रहा है। आप देखे होंगे इसी दरभंगा के धरती पर 50,000 का जन सैलाब उतर गया था, यही बिरौल अनुमंडल में हजारों हजार की सैलाब। अब लोग इतना बुद्धू नहीं है जो चाहते हैं फूट डालो और राज करो, अब लोग जग गए हैं और हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ जनमानस लग गया है, यही विषय है। और इसी पर आज माननीय प्रभात झा जी मधुबनी जा रहे हैं और वहां भी इनका कार्यक्रम है, सभा है, जनसंपर्क है और फिर पुनः इसी पर सदन है। मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा में अर्थशास्त्र पद के अध्यक्ष पर सुसज्जित डॉक्टर नरेंद्र कुमार यादव का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षक अपने ज्ञानों का सही उपयोग करे, वह अपने ज्ञान को रखे नहीं बांटे। शिक्षक राष्ट्र के निर्माण कर्ता होते हैं, वह छात्रों को जैसा ज्ञान देंगे राष्ट्र निर्माण वैसा ही होगा, अतः वह अपने शिक्षण का सही उपयोग करके राष्ट्र निर्माण में अपने भूमिका सुनिश्चित करे। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए क्या कहा। आज मारवाड़ी महाविद्यालय से मैं अर्थशास्त्र के अध्यक्ष पद पर से रिटायर कर रहा हूँ, सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और मैं एक सुखद अनुभव कर रहा हूँ क्योंकि विश्वविद्यालय ने मुझे बहुत कुछ दी। मिथिला विश्वविद्यालय ने, मैं प्रोफेसर होकर रिटायर कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है और लगता है कि मैंने अपने कार्यकाल को सफलपूर्वक संपन्न करने में सफल हुआ। छात्रों को यह सहयोग देना चाहेंगे, शिक्षकों को, कि शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल आरूढ़ रहें, कर्तव्यनिष्ठ रहें और उनके अंदर जो शिक्षा का ज्ञान है उस ज्ञान को रखें नहीं, वो छात्रों में बांटें, छात्रों को दें, छात्रों को लाभान्वित करें। ये मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है और उनके लिए एक संदेश है। मैं विश्वविद्यालय में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहा हूँ, मैं विधि पदाधिकारी 3.5 वर्ष तक था, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी था, फिर महाविद्यालय में भी मैं कई महत्वपूर्ण पदों पर रहा हूँ। शिक्षक राष्ट्र प्रणेता होते हैं, राष्ट्र निर्माणकर्ता होते हैं और शिक्षक पर ही राष्ट्र का नवनिर्माण आधारित है। जैसा छात्रों को संदेश देंगे, जैसा ज्ञान देंगे, राष्ट्र की नींव नहीं मजबूत होगी। इसलिए मैं चाहूँगा शिक्षक अपने कर्तव्यपरायणता को कायम रखें और राष्ट्र के निर्माण में जो उनकी भूमिका है उसमें कभी भी वो पीछे नहीं रहे। मैथिली साहित्य के इनसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले प्रोफेसर भीमनाथ झा ने साहित्य अकादमी नई दिल्ली तथा सीएम कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में महाविद्यालय में महात्मा गांधी मिथिला और मैथिली विशेष संदर्भ चंपारण विषयक 2 दिवसीय संगोष्ठी में उद्घाटन वक्तव्य के रूप में कहा। उन्होंने कहा कि गांधी के विचारों का मैथिली साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज गांधी से संबंध मैथिली साहित्य में उपलब्ध सामग्रियों पर शोध करने की सख्त जरूरत है, तभी गांधी चरित्र और मैथिली साहित्य के संबंध में पता चलेगा। इस कार्य में आलोचना समालोचना अवश्य है क्योंकि आलोचना ही व्यक्तित्व की वास्तविक कसौटी होता है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के परिक्षेत्र में उत्तर बिहार के 10 जिले यथा दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज एवं शिवहर आते हैं। यह क्षेत्रीय केंद्र गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा कम लागत में लोगों को उपलब्ध कराने के लिए विगत कई वर्षों से सतत प्रयासरत है। इग्नू में जनवरी एवं जुलाई 2 सत्र में नामांकन होता है। जनवरी 2020 सत्र में नामांकन जारी है जिसकी अंतिम तिथि 20 जनवरी 2020 है। इग्नू में नामांकन ऑनलाइन होता है जिसके लिए इग्नू के मुख्य वेबसाइट www.ignu.ac.in पर संपर्क स्थापित कर नामांकन एवं पुनः पंजीकरण संबंधी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0627225133 पर। सर्वप्रथम तो मैं
इस नए वर्ष में सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, वह सबों के लिए सुखद और मंगलमय हो। चूंकि यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक शिक्षण संस्थान है और नए वर्ष में खास करके जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं या जिन्हें अभी तक परंपरागत विश्वविद्यालय में जगह नहीं मिली है, वहाँ शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला है, उन तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से। स्नातक हो या स्नातकोत्तर के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उपलब्ध हैं और नामांकन अभी जारी है। 20 जनवरी 2020 तक अंतिम तिथि है। वे इग्नो से जुड़कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, इन विभिन्न कार्यक्रमों में नाम लिखा सकते हैं, वो पूरा कर सकते हैं। जहाँ तक इग्नो की आप बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं। अब लोग खुले दिल से ये मानने लगे हैं कि इग्नो का जो कार्यक्रम है बहुत ही उच्च कोटि का है, हमारी अध्ययन सामग्री गुणवत्तापूर्ण है। सामान्य रूप से सिर्फ कार्यक्रम तैयार करने के लिए ही नहीं, बल्कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वे भी इग्नो के अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी इसमें काफ़ी अधिक है, कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की व्यवस्था इग्नो के द्वारा किया गया है। जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन के साथ भी उपलब्ध है कि यदि बैचलर डिग्री कोई 3 साल में नहीं कर पाता है तो अलग से 2 या 3 वर्ष उन्हें ग्रेस पीरियड के रूप में दिया जाता है। इसीलिए मैं तमाम श्रोताओं से यह निवेदन करूंगा, उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वे इग्नो से जुड़ें और यदि भी अभी भी कोई कार्यक्रम उन्हें करना है, चाहे बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, सबका नामांकन चल रहा है और नामांकन ऑनलाइन है। इसके लिए उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे ही या कंप्यूटर सेंटर हैं उसके माध्यम से वो इग्नो से जुड़ सकते हैं, नामांकन करा सकते हैं। स्नातकोत्तर के जो भी विद्यार्थी हैं सेकेंड ईयर में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उनके लिए भी ये सुनहरा अवसर है। 20 तारीख तक एडमिशन चल रहा है, री रजिस्ट्रेशन का डेट है, वे भी ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इग्नो के द्वारा विशेष करके SC ST स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम उपलब्ध कराया जा रहा है। SC ST के कैंडिडेट के लिए भी ऑनलाइन एडमिशन सुविधा ही उपलब्ध है, उनको भी कहीं नहीं जाना है, अपना डिटेल्स भरने के बाद ही उनके लिए एक अलग से रास्ता वहाँ वेबसाइट पर दिखता है जहाँ के माध्यम जान के वे बिना फी जमा दिए ही एडमिशन ले सकते हैं। तो एक बार पुनः मैं यह दोहराता हूँ कि इग्नो में यह जनवरी 2020 सत्र के लिए नामांकन और री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। अब विलंब ना करें, यह अवसर हाथ से ना निकल जाए, शीघ्रातिशीघ्र जुड़ें, अपना नामांकन कराएं। आज MRM महाविद्यालय द्वारा एक संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया जिसका विषय था छात्र संघ में छात्राओं की भूमिका। वहीं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ पदाधिकारी का सम्मान समारोह भी इस अवसर पे किया गया। इस कार्यक्रम में मिथिला विश्वविद्यालय की अध्यक्ष आलोक कुमार, उपाध्यक्ष ध्रुव कुमार, महासचिव प्रीति कुमारी, कोषाध्यक्ष नीति कुमार सिंह को पाक चादर मोमेंट से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर कुल सचिव कर्नल नीतीश राय उपस्थित थे। इस कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि छात्र संघ बिना छात्रों के सहभागिता की कल्पना नहीं किया जा सकता है। एक छात्र प्रतिनिधि को सबसे पहले खुद को एक अच्छे छात्र के रूप में स्वयं को परिसर में स्थापित करने की आवश्यकता है। साथ ही छात्र संघ की यह भी दायित्व है कि महाविद्यालय परिसर में छात्रों की उपस्थिति कैसे बढ़े। डिसेंट संसाइंस अकेडमी, ए यूनिट ऑफ द रुद्रा फाउंडेशन, क्लासेस PG-8, रजमान चौक से पश्चिम, बिग्रामपुर, दरभंगा, भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24/7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था,
सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था। इसके साथ साथ 10 प्लस 2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे और सेवा का मौका जरूर दें। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री। नमस्कार, मैं एडिसन संसान एकेडमी की प्रिंसिपल। हमारे स्कूल का मेन मोटो यही है कि डार्कनेस टू ब्राइटनेस, इट मींस कि अंधकार से उजाले की ओर। और ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई की ओर नहीं करके खेतीबाड़ी या फिर कोई दूसरे अन्य कामों में उनको उलझा देते हैं, जबकि ये सबसे बड़ी गलती है उनकी। आज का ज़माना बहुत आगे निकल चुका है, भी आज 21वीं शताब्दी में हम लोग आ रहे हैं, जबकि लोग आज 22वीं शताब्दी में भी पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा देश आज भी बहुत चीज़ों में आगे निकल रहा है, जहां तक कि बहुत से शहरी ही इलाकों के बच्चे हैं जो आगे आ रहे हैं। लेकिन हम इस मिथ्या को तोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा गाँव हमारा देश में भी कहीं ना कहीं एक भागीदारी और हिस्से बने। इसीलिए हम शहरी व्यवस्था के साथ यहाँ आए हैं गांव में, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर, प्रोजेक्शंस आदि बहुत चीज़ें हमारे स्कूल में उपलब्ध हैं, जिसकी सुविधाएं हम चाहते हैं कि गार्जियंस अभिभावक एक बार स्कूल में आए और देखें और समझें कि स्कूल उनके बच्चों के लिए क्या लेकर आई है, क्या देना चाहती है। हमारे मकसद को समझें और हमारा साथ दें, ताकि हम शिक्षा को कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही गाँव तक नहीं, आगे के अगल बगल के जितने भी गांव हैं वहां तक भी हम शिक्षा के प्रकाश को फैला सकें। स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि अन्य चीज़ें जैसे डांस, क्विज कॉम्पिटिशन्स, पार्टिसिपेशंस में हर एक तरीके से बच्चों को तैयार करती हैं, ताकि वे दूसरे इंटर हाउस स्कूल्स में भी जाके पार्टिसिपेट करें और अपना एवं अपने अभिभावकों का तथा साथ ही साथ स्कूल का भी नाम रोशन करें।